फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए बिना वीडियो को देरी करे स्टार्ट करते हैं और आज बनाते हैं टेस्टी सी एक रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के अप्पे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है और झटपट बन जाता है, और ये बच्चों के टिफिन के लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे सूजी, जिसे हम सेमोलिना रवा भी कहते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही। दही से अप्पे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और सबसे पहले हम इसे बिना पानी के मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सूजी के बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। तो इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लें अच्छे से। फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो पानी को धीरे धीरे ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना आए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसका बैटर बहुत ही अच्छा स्मूथ सा बैटर रेडी करना है। आपको जितना पानी इसमें ऐड करना है कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें धीरे धीरे ऐड करें। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख रहे हैं कि पानी डालते ही ये बहुत जल्दी सोख कर ले रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि ये फ्लोट करे, रनी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसकी बैटर को रेडी करना है और इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पानी को अच्छे से सोक कर ले। फिर यहाँ 10 मिनट हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी थिक हो गया है। तो अब इसमें हम अपने कटे हुए वेजीज डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज जो अप्पे मैं बना रही हूँ वो हेल्दी है। तो हेल्दी के लिए हमें इसमें वेजीज ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्ची और धनिया पत्ती डाल दिया है। फिर इसमें नमक ऐड कर दिया है मैंने और इसे सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी वेजेज ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो जो आपको पसंद हो। आप इसमें कॉर्न ऐड कर सकते हैं, गाजर, बीन्स, ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका बैटर मैंने आपको बताया कि फ्लोटिंग बनाना है, ठीक नहीं बनाना है अप्पे के लिए। तो इसमें पानी डाल करके इसका बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ये फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये अप्पे के लिए बैटर रेडी है। अब इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है, इससे हमारे अप्पे काफ़ी अच्छे फूलेंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अप्पे बनाना। तो यहाँ मैंने अप्पे का पैन ले लिया है और इस पर मैंने ऑयल को डाल दिया है। तो थोड़े थोड़े से ऑयल ऐड कर देना है और इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हीट रखना है। और इसमें मैंने पोर कर दिया है बैटर। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, छोटे छोटे मिनी मिनी अप्पे बनेंगे हमारे। फिर लिड लगा करके इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि हमारा जो अप्पे है वो अच्छे से कुक हो जाए। इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो 5 मिनट हो गए हैं, मैं आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ कि हमारे एक तरफ से कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। तो इस तरीके से हम सारे अप्पों को फ्लिप कर लेंगे। फिर एक बार और लिड लगा करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, ताकि दूसरी तरफ भी हमारा अप्पे अच्छे से पक जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे अप्पे कितने अच्छे पक चुके हैं और रेडी हो गए हैं।
ये फुले फुले अप्पे हमारे रेडी हैं। अप्पे तो हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसके साथ खाने के लिए हम चटनी भी रेडी ही कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है हरी धनिया, मिर्ची, लहसुन और दही लिया है। तो चलिए मैं आपको इसको बनाने का प्रोसीजर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे मिर्ची ऐड कर दिया है जार में, लहसुन ऐड कर दिया है, धनिया पत्ती ऐड कर दिए और इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है। इससे इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर इसी में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेस्ट बनाने के बाद हमारी हरी चटनी रेडी है अप्पे के साथ खाने के लिए। तो आप ये बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, मैंने आपके साथ शेयर कर दी आज की हेल्दी रेसिपी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी भी है ये। तो आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा और आपको भी मन करता है कि झटपट ऐसा क्या बनाएं, टाइम नहीं है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो ये पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।